फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। अनलॉक की प्रक्रिया तेज हुई तो लोगों ने यह मान लिया कि कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग जीती जा चुकी है, जबकि यही सोच सबसे ज्यादा घातक साबित हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक आई तेजी को देखते हुए 55 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है। कल रात 10 बजे से शुरू इस लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की सख्ती भी रही, लेकिन लोगों ने खुद ही घर से बाहर न निकलने में अपनी भलाई समझी। आज इसी क्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सड़कों पर वीरानी छाई रही। अगर कोई बिना वजह निकला भी तो उसका भारी चालान भी किया गया। इस दौरान पुलिस के आला अफसर सड़क पर रहे और व्यवस्था पर बराबर नजर बनाए रहे। मेरठ के SSP अजय साहनी ने इस बारे में मीडिया से बात की, आइए सुनते हैं। से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें, वही केवल खुलेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। और कल रात से ही प्रशासन और पुलिस के सभी लोग फील्ड में लगे हुए हैं, और सुबह जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ था, सभी से सभी अधिकारी, SDM, COs और बाकी पुलिस के सभी जो थाना प्रभारी वगैरह हैं, सब लोग फील्ड में हैं। सबको अनाउंस करके बताया भी गया है और जनता का भी इसमें भारी सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः ही घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि सोमवार 5 बजे तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, बगैर मास्क के ना निकलें। जुर्माने की राशि भी मास्क न पहनने पर बढ़ा दी गई है, जो 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इन सभी चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, कंटेनमेंट जोन है बहुत से इलाके, तो क्या वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया, किस तरह का मौका है? जी, कंटेनमेंट जोन है, उसके बारे में जो पहले से नियम निर्धारित था उसी के अनुरूप हो रहा है। फोर्स और प्रशासन का डिप्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा है, वहाँ से किसी की एंट्री और एग्जिट दोनों अलाउ नहीं है। बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी सप्लाई वहीं कराई जा रही है। अभी तक मास्क में जनपद में करीब 18 लाख रुपए मास्क पर चालान काट के वसूली की गई है, और ये लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है, मास्क वितरित भी किया जा रहा है और लगातार न मानने वालों के खिलाफ चालान भी किया जा रहा है। सर, जो त्यौहार का आगे देख रहे हैं, सीजन आ रहा है, तो उसमें जो है कांवड़ तो यात्रा नहीं होगी इस बार, लेकिन फिर भी अगर कुछ मैडम, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से उसके लिए पुलिस तैयार है। आगे जो भी कांवड़ यात्रा संभावित है, उसके बाद बकरीद है, सभी त्यौहारों के संबंध में सबसे बातचीत करके समन्वय बना लिया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति जनपद में नहीं होगी।